तो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई वर्क और हम इसमें कंगनी का यूज़ करेंगे और साथ में हम सीखेंगे कैसे हम बनाते हैं रिंग नॉट, रेशम का रिंग नॉट कैसे बनाते हैं परफेक्ट तरीके से। तो वीडियो को फुल वॉच करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको लेना है कंगनी, कंगनी के साथ में आपको लेना है 8 नंबर का हैंड नीडल, ठीक है। इसमें आप छोटा बड़ा दोनों नीडल ले सकते हो। यहाँ पे आप जो कंगनी है वो कंगनी को आपको थोड़ा खींच लेना है। खींचने से बेनिफिट ये होगा कि आपकी कंगनी में जो गैप होता है वो गैप में आपको टाका जाना चाहिए। उसके लिए हमको कंगनी को थोड़ा खींचना होता है, खींच के हम वहाँ पे टाका मारते हैं। और यहाँ पे जो धागा यूज़ करेंगे हम गोल्डन धागा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंगनी यूज़ किया है वो गोल्डन कंगनी है। तो यहाँ पे हम धागा भी गोल्डन लेंगे और साथ में हम सिंगल धागा लेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना है, कंगनी को पहले अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको टाका मारना है। अपना एक हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से कंगनी को पकड़ के रख सकते हो और राइट हैंड से आप टाका मार सकते हो, या फिर आप दोनों हैंड का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको सिंपल सा टाका निकालना है कंगनी के बाजू से और वहीं पर डालना है, बट इसमें तारों के बीच में से धागा जाना चाहिए, आपका धागा छुप जाना चाहिए, तो आपकी फिनिशिंग काफ़ी बेटर आएगी। और जो मेन जो वहाँ पे जो होता है हमारा राउंड जो घूमता है, प्याली बनती है, वहाँ पर हमको ध्यान देना होता है। हर राउंड पे आपको परफेक्टली जो है कंगनी को घुमाना होता है और राउंड परफेक्टली देना होता है। जहाँ जहाँ पे हमारे नोक्स होते हैं वहाँ पे हमको पकड़ से या फिर कैची से इसको टेढ़ा करना होता है। और यहाँ पे जो हम टाका मार रहे हैं काफ़ी करीब करीब मारेंगे, ज़्यादा लंबा टाका मारेंगे तो हमारा खुलने के बाद जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसके लिए हमको टाका छोटा छोटा लेना है और वहाँ पे हमको कोने पे कैची का यूज़ करना है या फिर पकड़ का यूज़ करना है, जिससे हमको नोक बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जब आपका कंगनी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको लेना है रेशम, क्योंकि हम यहाँ बटरफ्लाई बनाने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं कैसे हम रिंग नॉट बनाते हैं। आप अलग अलग कलर के रेशम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग किया है जो है कि ग्रीन कलर से किया है। आप कोई भी कलर से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी कलर ले सकते हो, बट मैचिंग कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए कलर का, इसके लिए आप रेशम यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट आपको ना टाका ऊपर से निकालना है, इससे क्या बेनिफिट रहेगा आपको पता है, मेरे हर वीडियोस में आपको मैं बोलता हूँ, ठीक है। इससे ये बेनिफिट रहेगा कि नीचे आपका धागा जो है वो नहीं आएगा, आपका नीचे छुपेगा नहीं, आपका ऊपर रहेगा। तो टाका एक्स्ट्रा लेने के तो उसको आपको काट देना है। देखो आपको रिंग नॉट को बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँ कि कैसे रिंग नॉट बनाते हैं। फर्स्ट हम 2 बार उसको घुमाते हैं रिंग नॉट बनाने के लिए, ठीक है, और उसको बना के इसकी साइज़ बनानी पड़ती है। तो साइज़ बन गया आपका, जो साइज़ में इसको छोड़ना है, जिस साइज़ में आपको बनाना है वो साइज़ बना के आपको उसको रिलीज़ करना होता है। ऊपर के हाथ से कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपको नीचे के हाथ से करना होता है, ठीक है। 2 बार घुमाएंगे उसको, घुमा के उसकी साइज़ बनाएंगे, साइज़ बनाने के बाद उसको ऊपर के हाथ को छोड़ देना है, आपको नीचे के हाथ से खींचना है। तो यहाँ पे हम जो है ना अलग अलग कलर का रेशम लेके कर रहे हैं, ठीक है। आप भी अलग अलग रेशम का लेके ही करो, इसकी जो ब्यूटीफुल जो अच्छा दिखने में रहेगा वो आपका कलरिंग में रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका। एक ही कलर में करते हो तब भी चलेगा, बट कलरिंग करोगे तो कुछ अलग दिखेगा, कुछ नया दिखेगा।
तो आप बहुत सारे कलर्स ले सकते हो, बट आपस में मैचिंग में अच्छे होने चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 से 5 रेशम का कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। पर आपको सबसे पहले वही करना है, बाहर टाका निकालना है, उसके बाद यहाँ पे एक टाका दो टाका देके एक्स्ट्रा उसको लॉक करना है। फिर आपको 2 बार घुमाने के बाद उसको साइज़ बना लेनी है, साइज़ बनाने के बाद उसको रिलीज़ करना है। पर रिलीज़ करते समय आपको ऊपर के हाथ से नहीं खींचना है, ना ही उसको पकड़ना है, सिर्फ नीचे के हाथ से उसको खींचना है बस। अभी यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लिया है, यहाँ पे मैंने फेरोजी कलर यूज़ किया है, ठीक है। आप अलग अलग कलर लेके यूज़ कर सकते हो, टेक्निक बिल्कुल सेम है। आपको 2 बार घुमा के उसको छोड़ना है अपना साइज़ बना के, ठीक है। ऊपर की साइज़ थोड़ी बड़ी होगी, जैसे जैसे नीचे आएगा आपको साइज़ को थोड़ी छोटी करना है। यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है कलर, वो यूज़ किया है यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा है कि कलर्स आपस में काफ़ी मिलता हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे ग्रीन है डार्क ग्रीन है तो हल्का सा डार्क ग्रीन, ऐसा नहीं करो। आप एकदम अलग कलर लो, सब कलर जो अलग लो के दिखने में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लिया था, अब मैं यहाँ पे रेड ले रहा हूँ। तो आप कलर को ऐसे मर्ज कर सकते हो जो लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता हो। सिंपल सा स्टेप है, आपको रिंग बनाना है, ऊपर से 2 बार घुमाना है, उसके बाद इसको साइज़ बना के सिर्फ छोड़ना है, और ऊपर का थोड़ा बड़ा बनाएंगे, नीचे आते आते थोड़ा रिंग हमारा छोटा होगा। यहाँ पे हमको दोनों साइड पे क्लियरली सब चीज़ों को भरना है। हर एक काम हो जाने के बाद आपको 1 से 2 टाका एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और दोनों साइड में आपको सेम भरना है, जैसे आपका चलते आ रहा है लाइन वाइज वैसे ही आपको चलना है।
यहाँ पे आपको लास्ट में जो है पूरा लाइंस को मर्ज करना है, जैसे कि ऊपर के पंख को और नीचे के पंख को दोनों को मिलाना है। अभी आगे जाके इसके स्किन के लिए आप ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो, चॉकलेटी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसके बदन में जो हिस्सा है, हम ऊपर के पार्ट्स में ये कलर डालेंगे और नीचे के पार्ट में हम जरदोजी यूज़ करेंगे, और ब्लैक वाला उसके टेल के लिए होगा। यहाँ पे हम फ्रेंच नॉट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो बार घुमा के उसको फ्रेंच नॉट दे रहे हैं और इसको लॉक करके इसको पक्का कर दे रहे हैं। और ब्लैक वाला रेशम लेना है, वहाँ पे हमको उसके टेल पे सिर्फ एक एक फ्रेंच नॉट देना है बस, और कुछ नहीं। तो बटरफ्लाई के नीचे साइड में इसकी जो पूंछ होती है वहाँ पे हमको लगाना है जरदोजी। जरदोजी के लिए आपको जो निडल यूज़ करना है वो 7 नंबर यूज़ करना है, गोल्डन धागा यूज़ करना है। गोल्डन जरदोजी यूज़ करनी है, छोटी छोटी काटनी है आपको, ठीक है, एकदम छोटी छोटी काटनी है, मटेरियल को खींच के काटना है, जो लुक आएगा वो बेहतरीन आएगा। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हो, और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.